Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हक मौजूद अवा सबनी के भली कार चमां थी सुबह जे आवाज़ में हमेशा जिया। अवा जी मेज़बान शाजी करीम अवा जी खिदमत में हाजिर आया। हे प्रोग्राम अवा सबनी जे लाए पेश कयो पियो वञे। तरंग जे ताबुन सां सिर्फ़ 10 रुपयन जे साशे में अवा बेहतरीन क्रीमी चांहि तयार करे सघो था। ऐं ओल्पर्स वारनि जो सहकार हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में पिणु हासिल आहे। हिन महिल असां लाइव आहियूं, आवाज़ जे नाले सां फेसबुक ते पेज आहे उते, ऐं सुबुह जो आवाज़ जे नाले सां हिन प्रोग्राम जो ऑफिशियल फैन पेज आहे, उते बि लाइव आहियूं। साण में अवां लाइव स्ट्रीमिंग जे ज़रिए यूट्यूब ते असांखे पिणु ॾिसी सघो था, ऐं टीवी ते लाइव त आहियूं ई आहियूं। बहरहाल, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मुहर्रमुल हराम जो महीनो स्टार्ट थी वियो आहे, इन करे हिन महीने जो हिकिड़ो पंहिंजो तक़दुस हूंदो आहे, हिकु पंहिंजो एहतराम हूंदो आहे। ऐं पहिरीं मुहर्रम ते जेको ख़ासि प्रोग्राम अवां जे लाइ पेश कयो, त उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां डिस्क्राइब कयो। पर हाणे असां कुझु वक़्तु नॉर्मल प्रोग्राम्स कंदासीं, ऐं अॼु जेको असांजो टॉपिक आहे उहो घणे भाङे आहे फिज़ियोथेरेपी जे हवाले सां, ऐं योगा जे हवाले सां, ऐं फिटनेस जे हवाले सां, त कीअं अवां फिट रही सघो था, कीअं अवां योगा जे ज़रिए घर वेठे पंहिंजी ज़िंदगी जा जेके नंढा नंढा मसला आहिनि उन्हनि खे सॉल्व करे सघो था। ऐं फिज़ियोथेरेपी जी ज़रूरत इंसान खे कॾहिं पवंदी आहे, इन्हनि सभिनी मामलनि ते कचहरी कंदासीं। ऐं COVID-19 जे करे अॼुकल्ह घणे भाङे असांजी जेका यूथ आहे, बल्कि सभई तक़रीबनि घरनि में क़ैद थी विया आहियूं, ऐं हाणे लॉकडाउन थोरो हल्को थियो आहे त हर कोई ॿाहिरि निकिरे पियो पंहिंजी किर्त सां, पंहिंजे कमनि सां सभई आहिनि। पर जेके 3 महीना 3.5 महीना असांजा लॉकडाउन में घरनि में गुज़रिया, उहे ॾाढा मुश्किल रहिया। ऐं यकीननि उन में फिज़ियोथेरेपिस्ट जो कमु बि तमामु घणो वधी वियो, छो त सर्वाइकल पेन या लोअर बैक पेन डिफ़रेंट क़िस्म जूं शयूं आहिनि, डिफ़रेंट क़िस्म जा मर्ज़ आया जेके उभरिया। त उनजो कारण ऐं उनजो रीज़न इहो हुयो त मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमालु तमामु घणो वधी वियो नौजवाननि जो, ऐं लाज़िम आहे लैपटॉप जो इस्तेमालु, या लैपटॉप ते जॾहिं असां कुझु बि कमु कंदा आहियूं त या त टेबल जो अहतमामु कोन हूंदो आहे, ईअं ई गोॾनि ते रखी या सुम्ही करे इस्तेमालु कंदा आहियूं, त जॾहिं बॉडी पॉस्चर तव्हांजो ठीकु न हूंदो आहे त पोइ इलाही प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि जेके जनम वठंदा आहिनि। ऐं इहो ई कारणु आहे त पोइ उन्हनि जो जेको फिज़ियोथेरेपिस्ट आहिनि उन्हनि जो कमु तमामु घणो वधी वियो, ऐं सिहत जा जेके मामला आहिनि उहे बि वधी विया, छो त डिप्रेशन तमामु घणो हुयो। हिकु त शुरूआती टाइम में असांखे सम्झ में ॻाल्हि न पई अचे त कोविड आहे छा, कीअं आहे, ऐं इन खां बचणो कीअं आहे, प्रिकॉशन्स कहिड़ियूं आहिनि, त माना हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो डिप्रेशन हुयो। ऐं पूरी फैमिली तव्हांजी गॾु त हुयासीं, पर उनजे बावजूद टेंशन हुयो हिक ॿिए जो, त अलाह ख़ैर करे मूमा या बीमारी कंहिं ॿिए में न लॻी वञे। ॿिए खे इहो फ़िक्र हुयो त मूमा कंहिं ॿिए खे न लॻी वञे, त माना परे परे बि हुयासीं, ऐं मेंटली हर इंसान डिस्टर्ब हुयो। हाणे छो त मामला इलाही घणा क्लियर थी विया आहिनि, त हाणे उहो जेको डिप्रेशन लेवल आहे उहो इंसान जो घटियो आहे। पर बहरहाल, उन डिप्रेशन में जेकॾहिं अवां स्टिल हिनमहिल ताईं आहियो, त पोइ अवां कीअं नंढियूं नंढियूं एक्सरसाइज़ करे अवां उन डिप्रेशन मां निकिरी सघो था, या जेकॾहिं हल्को मामूली सूरु आहे, किथे का तकलीफ़ आहे, त उहा योगा जे ज़रिए या थेरेपी जूं कुझु टिप्स अव्हांखे ॾींदासीं त कीअं अवां उन्हनि शयुनि खां बची सघो था। ऐं डॉक्टर्स खां पुछंदासीं, जेके हिते साथी मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां त लॉकडाउन जे दौरान या COVID-19 जो स्टार्ट थी त कहिड़े क़िस्म जा इशूज़, कहिड़े क़िस्म जूं कॉम्प्लिकेशन्स माण्हुनि में तमामु घणियूं थियूं, ऐं कहिड़े क़िस्म जे शयुनि खे उन्हनि फेस पिए कयो। त इन सभिनी शयुनि ते अॼोके प्रोग्राम में कचहरी कंदासीं। प्रोग्राम बिल्कुलु मिस न कजो, ऐं पंहिंजे साथियुनि सां बि ज़रूरु अवां वंड कजो, शेयर कजो, छो त डिप्रेशन भले तव्हांजो हिनमहिल ख़तमु थी वियो हुजे, पर उन डिप्रेशन जा जेके साइड इफ़ेक्ट्स हूंदा आहिनि उहे इंसान जे वजूद ते, इंसान जी बॉडी ते रहंदा आहिनि जेसिताईं प्रॉपर ट्रीटमेंट न करायो वञे, या प्रॉपर उन्हनि शयुनि खे डील न कयो वञे, या प्रॉपर थेरेपी जे ज़रिए उन्हनि शयुनि खे ख़तमु न कयो वञे। त उहे इशूज़ अञा ताईं माण्हुनि खे आहिनि, इलाही सवाल मुंहिंजे ज़हन में आहिनि जेके मां पंहिंजे महिमाननि खां करण वारी आहियां। अवां जे ज़हन में को सवाल आहे त अवां बि लाइव हिनमहिल, छो त असां लाइव आहियूं, अवां फेसबुक ते करे सघो था। कोशिशि कंदासीं त अवां जे कॉमेंट्स खे बि असां पढ़ूं, ऐं जेकॾहिं न पढ़ी सघियासीं त पोइ नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूरु अव्हांखे उन्हनि सवालनि जा असां जवाब ॾींदासीं। त कोशिशि कजो त इन्हनि सभिनी मामलनि जे हवाले सां ई अवां कमेंट्स कयो। ॿी ॻाल्हि इहा
त हीउ जेको महीनो आहे उन में यकीन असां सभई मां सम्झां थी हीउ महीनो सिर्फ़ु मुस्लमाननि जो न आहे बल्कि हीउ सभिनी जो आहे छो त मौला हुसैन अलाम सां सभिनी खे मुहबत आहे सभिनी खे अक़ीदत आहे सभिनी खे इश्क आहे ऐं उहो जेको इश्क आहे उहो इंसान खे मजबूर करे थो त हू उन इश्क में को सबील कंदो आहे को न्याज़ जो अहतमामु कंदो आहे को मजलिस जो अहतमामु कंदो आहे पर सभ खां अहम पैगाम जेको अॼु मां ॾियणु चाहियां थी उहो इहो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे अवां हिन महीने जी अहमियत सम्झायो पंहिंजे ॿारनि खे वाक़िआ करबला अवां ॿुधायो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त दीन इस्लाम जे ख़ातिर कीअं मौला हुसैन जन क़ुर्बानी ॾिनी ऐं उन्हनि जे साथी उन्हनि जे जानसारनि पंहिंजूं जानियूं ॾिनियूं ऐं जाम शहादत उन्हनि नोश कयो त इहे सभई शयूं पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधायो छो त जेका हीअ जनरेशन आहे उहा असांजी मज़हबी मामले में इलाही पोइ ते आहे ऐं जॾहिं पोइ ते आहे त पोइ इंतिहा पसंदी अवां ॾिसो था त मज़हबी जेका इंतिहा पसंदी आहे ऐं मज़हबी जेका जुनूनियत आहे उहा केतिरे उरूज ते आहे इन करे मां हमेशह जॾहिं बि रमज़ान जो महीनो हूंदो आहे छो त उन में इस्लामी प्रोग्राम्स असां कंदा आहियूं या मुहर्रम जो महीनो हूंदो आहे त मां हमेशह पेरेंट्स खे इहा ई रिक्वेस्ट कंदी आहियां त बराए महिरबानी पंहिंजे ॿारनि खे थोरो टाइम ॾियो ऐं पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे जंहिं बि दीन सां मां तालुक़ु रखो था अवां पंहिंजे ॿारनि सां थोरी दीनी कचहरी कयो उन्हनि खे दीनी मामला सम्झायो त जे उन्हनि जे अंदरि उहा जुनूनियत या जेका शिद्दत पसंदी ऐं इंतिहा पसंदी आहे उहा पैदा न थिए छो त जेतिरा बि मज़हब आहिनि उन्हनि सभिनी में इंसानियत जो दर्जु सभ खां पहिरियों आहे ऐं उहे बि असां सिंध में जेके रहंदड़ माण्हू आहियूं उहे सूफ़ीज़म ते बिलीव कंदा आहियूं ऐं सूफ़ी माण्हू जे अंदरि तासुब हराम आहे माना जेको सूफ़ी आहे उनजे अंदरि तासुब हराम आहे उहो डाइवर्सिटी खे क़बूल कंदो आहे उहो मुख़्तलिफ़ रंगनि खे मुख़्तलिफ़ कल्चर्स खे मुख़्तलिफ़ मज़हबनि खे उहो पूरी दिलि सां ईमानदारी सां तस्लीम कंदो आहे ऐं जेकॾहिं उनजो ओपिनियन थोरो डिफरेंट बि हूंदो आहे त उहो ॿिए माण्हू जे ओपिनियन ॿिए माण्हू जो जेको ख़्यालु हूंदो आहे या जेका सोच हूंदी आहे उनखे हू तस्लीम कंदो आहे त इहे हिन जो ख़्यालु आहे उन में का इंतिहा पसंदी या जुनूनियत न हूंदी आहे त इन करे मां पंहिंजे ॿारनि खे पॉज़िटिविटी ॾांहुं आणियो ऐं पॉज़िटिव तॾहिं थींदा जॾहिं मां उन सां कम्युनिकेशन कंदो जॾहिं अवां गुफ़्तगू कंदव जॾहिं अवां पंहिंजे ॿारनि खे पॉज़िटिविटी सेखारींदव ईअं नाहे त अवां ॿारनि खे नफ़रत पिया सेखारियो ऐं अॼुकल्ह असांजो घणे भाङे जेको फोकस हूंदो आहे उहो इहो हूंदो आहे त ॿारनि खे इहो सम्झाईंदा आहियूं त हीअ बि ख़राबु आहे हीअ बि ख़राबु आहे हीअ बि ख़राबु आहे हाणे जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि जे ज़हन में हर शइ खे ख़राबु करे पेश था कयूं त पॉज़िटिविटी उन ज़हन में उन माइंड में काॾां ईंदी जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदासीं त हीअ ख़राबु नाहे हिन जो ओपिनियन डिफरेंट आहे हीअ इंसान या हर इंसान जे अंदरि नेगेटिव पॉज़िटिव ॿई शयूं हूंदियूं आहिनि असांजे लाइ जेका शइ नेगेटिव हूंदी आहे उहा थी सघे थो कंहिं ॿिए जे लाइ पॉज़िटिव हुजे त माहौल जे हिसाब सां शयूं मटबियूं आहिनि माहौल जे हिसाब सां माइंडसेट चेंज थींदो आहे इंसान जो तॾहिं मां हमेशह चवंदी आहियां त बी पॉज़िटिव हमेशह पॉज़िटिव रहो हमेशह पॉज़िटिव ॻाल्हायो हमेशह पॉज़िटिव पैगाम ॿियनि ताईं पहुचायो ऐं हमेशह मुहबत जो दर्स ॾियो नफ़रतुनि में कुझु नाहे रखियो वाक़िआ करबला मां असांखे इश्क सिखण जे लाइ मिले थो मुहबत सिखण जे लाइ मिले थी ऐं हिकिड़ी मां चवां त पॉज़िटिविटी असांखे मिले थी ऐं इलाही कुझु असांखे सिखण जे लाइ मिले थो इन करे बजाए जो हिन महीने में अवां पंहिंजे ॿारनि खे दर्स न ॾियो बहितर आहे त पंहिंजे ॿारनि खे अवां दर्स ॾियो पंहिंजे ॿारनि खे अवां अहिड़ा चैनल्स ॾेखारियो अहिड़ा किताब पढ़ायो जिन में उन्हनि खे कुझु पॉज़िटिव मिले ऐं उहे इलाही शयूं सिखी सघनि त अॼोके प्रोग्राम में बहरहाल इहो त मुंहिंजो पंहिंजो ओपिनियन हुयो ऐं मूं सोचियो त अवां सां ज़रूरु मूंखे शेयर करणु खपे पर असांजो जेको टॉपिक आहे उहो घणे भाङे फिज़ियोथेरेपी जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं योगा जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं साही जो बि टाइम आहे त साही वठंदासीं ऐं साहीअ खां पोइ जॾहिं अवांजे ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं त पोइ वरी महिमाननि सां अवांजी मुलाक़ात कराईंदासीं महिमान केरु आहिनि इहा अवांजे लाइ सरप्राइज़ आहे अवांखे ॿुधाईंदी हलां त इहे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जिताबुनि सां सिर्फ़ु ॾहनि रुपियनि जे साशे में अवां बहितरीन क्रीमी चांहि तयारु करे सघो था ऐं ओल्पर्स वारनि जो सहकार हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में पिणु हासिलु आहे टाइम आहे हिते ब्रेक जो मिलूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ
डीवीवर साही का पोए वरी अमा सबनी के भली कार चमा थी हे प्रोग्राम अमा सबनी जिला पेश कर पवने तरंग जिताबुन सा 10 रुपये के साशे में बेहतरीन क्रीमी चाय अमा तैयार करे सकू था आई ओल्पर्स वारन जो सहकार प्रोग्राम के अगते वधाण में पिण हासिल है। सिलसिले के साथ अगते वधाईंदासी आई बिना के देर जे बिना के इंतजार जे मा चाहिंदम तो मेहमानन सा मा जी मुलाकात कराई वने आई पहरी जेका शख्सियत है वह फिजियोथेरेपिस्ट है आई अमीन मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है आई लेक्चरर है इकरा यूनिवर्सिटी में। भली कार चवां थी डॉक्टर सोबिया के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और अपना ख़ास वक्त आपने दिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आई व्यूवर्स बी जेका शख्सियत है वह घणा रुखी है, मतलब उन्होंने कें एक रुख में अस कैद ना कर सकूँ, पर अहम जो हवाला उमानी सामू पेश क्या थी। माशाल्लाह योगा एक्सपर्ट आन, फिजियोथेरेपिस्ट आन, सोशल एक्टिविस्ट आन या सोशल वर्कर भी हमें चई सकूँ था। ओल्ड होम्स में वही करे हु उते जे के असांजा बुजुर्ग आहिन उन्हें से टाइम स्पेंड करना आहिन, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराइंदा आहिन, स्पेशल जे के चिल्ड्रंस आहिन उन्हें जे लाए हु तमाम घणो कम करना आहिन, उनके अलावा भी काफ़ी उन्हें जो एक्टिविटीज़ हुंदियूं आहिन। सो भली कार चवां थी डॉक्टर विनेश आर्या के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, की आहे? नमस्ते, बिल्कुल ठीक ता बुधायो? मां बिल्कुल ठीक ठाक, ता बुधायो ठीक आहे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, तमाम हमेशा तमाम बेहतरीन वेलकम कंदा आहियो। आई वरी मेहरबानी जो अमा असने सडे ते जीव चंदा आयो ई हमेशा कही इंदा आयो अमा स कचेरी कंदासी। आई व्यूअर्स ट्री जेका शख्सियत आहे उहा माशाल्लाह नाथ आहे ऐं तमाम सुठी शख्सियत भी आहे ऐं मुंहिंजी सखी भी आहे माशाल्लाह। भली कार चवां थी शकीला परवीन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है माशाल्लाह, खुश रहिए जी। तो इससे पहले कि बाकायदा प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, हम चाहेंगे कि हमदिया कलाम से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, उसके बाद फिर बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो शकीला जी, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि हमदिया कलाम आप पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां, ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले, सर से मेरे मौला
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने जी, मेरे मौला करम हो करम। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला का ये करम पूरी दुनिया पर, पूरी कायनात पर यूं ही बना रहे। और बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपको। डॉक्टर सोविया, आपसे शुरुआत करूंगी। माशाल्लाह फिजियोथेरापिस्ट हैं आप, लॉकडाउन के दौरान किस तरह के मसाइल आपके पास ज़्यादा आए या किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आए? देखें, लॉकडाउन के दौरान पहले तो बहुत कम पेशेंट्स हमारे पास आए। ऑफकोर्स सबको डर था कि भाई क्लिनिक आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे तो हमें भी ये कोरोना वायरस ना लग जाए। बट ये कि फिर काउंसलिंग हम लोगों ने पेशेंट्स की कि अगर आप क्लिनिक नहीं आ सकते तो हम आपको टेली हेल्थ के थ्रू या हम डिफरेंट और दूसरे SOPs के थ्रू आपकी फिजियोथेरेपी को डील कर सकते हैं। ठीक, हॉस्पिटल्स में तो खैर ऑफकोर्स चलता ही रहा, SOPs के थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट अपना वर्क करते रहे। बट OPD थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, लेकिन वो भी हम लोगों ने काउंसलिंग के थ्रू स्टार्ट कर ली। ज़्यादातर आफ्टर कोविड हमारे पास जो क्लाइंट्स आए सर्वाइकल पेन के साथ, सर्वाइकल ज़्यादा था, आपके बैक पेन के साथ, लोअर बैक पेन, होल बैक पेन के साथ, प्लस ये कि आपके हैंड्स जो कि हमारे ऑफकोर्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर ऑफिस वर्क जो कर रहे होते थे उनके भी, इवन के उनके एल्बो जॉइंट, उनके रिस्ट जॉइंट, उनकी फिंगर्स, एवरीथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग। क्योंकि ऑफकोर्स सारा वर्कआउट जो था वो आपका एक बाउंडेड हो गया था थ्रू योर लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम का वो कॉन्सेप्ट था, थ्रू योर लैपटॉप, थ्रू योर मोबाइल। तो एक बहुत मतलब हमारे पास एक वास्ट क्वांटिटी हमारे पास सर्वाइकल पेन की आई। क्योंकि सर्वाइकल पेन में आप, जाहिर सी बात है, आप मोबाइल यूज करते हैं, लाइक अगर मैं भी अगर मोबाइल यूज करती हूँ तो मैं अपनी नेक को बैंड करके रख, मोस्टली बैंड करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो अपनी इन चीज़ों का ख्याल करते हैं कि अपने फेस टू फेस, अपने सामने, अपने लेवल पे रख के उसको यूज करें। लैपटॉप होता है, आप बिस्तर पे बैठ के यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, वो आपके लेवल ऑफ हेड एंड नेक, मतलब कभी मैंने काफी लोगों को देखा है वो लेट के कर रहे होते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे, इस तरह से जो चीजें इम्पैक्ट आपके पास आया, आपके बैक पेन इंक्रीज हो गया, आपके सर्वाइकल पेन इंक्रीज हो गया, इवन आपके डिप्रेशन भी, इससे सर का दर्द भी, ऑफकोर्स इतना ज्यादा मोबाइल यूज एंड आपके पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनका बहुत ज्यादा अगर यूज बढ़ जाता है तो आपके सर में दर्द होना, ये चीजें काफी फेस की लोगों ने ड्यूरिंग द कोविड। राइट। अच्छा डॉक्टर विनेश, तमाम माशाल्लाह योगा एक्सपर्ट भी आए हो, फिजियोथेरेपिस्ट भी आए हो, सो अवां अदी जी गाल सा मुतफिक आए हो, तमाम इन हवाले सा छा चवण चाहे। हां इन में हो तो बिल्कुल मुतफिक आया, सब वो जो इश्यूज जदे घर में मानु वे तो ओवरऑल दुनिया में इंटरनेट यूज वधी हो, बिल्कुल फेसबुक जी पानी सब वधिक पैसा कमाया माजूबत छोचागण मानु हर कोई मोबाइल के थ्रू मडी कुछ वीडियो दिसी मानु पण बिजी रखे पियो। हां बिजी रखे तो सुठी गाल भी खराब नहीं है गाल। तो इन में सबक वो इशू अचे तो पोस्चरल इशू अचे, तो इन पोस्चरल इशू चवंदा माना असो उथण वेहण जो तरीको, कें शे यूज़ करण तरीको, मसल्स जी बार वागुर हूँ नी, मसल्स के तुम एक ही पोजिशन में कंटिन्यूस यूज़ कर तो वो शार्ट थी वो स्पेशली अस घर में जी कम नी न उ फॉरवर्ड हैंडेड कम नी, फॉरवर्ड हैंडेड कम के कर स्ट्रक्चर फ्लेक्जन पोस्चर एक्सटेंशन में हो, स्ट्रेट हो, कर भी खराब थी स्पाइन जो रेड़ी झड़ी जो, तो असं अपोजिट मूवमेंट्स मुखालिफ तरफ जो मूवमेंट्स करण खपन। पर आम मानू सिर्फ जी घर में खवातीन हुजन औरतू नी या मर्द भी आन, तो मर्द भी अगते लैपटॉप हलए तो हथ अगते, औरतू कपड़ा धुन थी हथ अगते, जैसे रद पचा कम करन थी किचन में हथ अगते, सब शयन में प्रेस करन थी हथ अगते, हर कमन में असो शोल्डर्स फॉरवर्ड वनंदा कोई तो हेतरी करे सर्वाइकल इशू सब वध थी दो। जेकने रोज पान के अपोजिट स्ट्रेच करें ना इन जी जैनी अक्सर तो रिजा हों जैनी औरतू घर में कपड़ा धोन थी उन्हें चवंदी सूर वी वह तकलीफ वही कपड़ा धोण एक वही हैवी वर्जिश है, एक मुश्किल मश्क है। तो इसीलिए जो फॉरवर्ड अगत कर तरी कर टाइट थी नी अपोजिट मूवमेंट कन्दून अपोजिट मुखालिफ मूवमेंट खबे मसल्स के एक तरह मूवमेंट कर शार्ट थी तो स्ट्रेच खपे वापस स्ट्रेच कंदा ना कोई एक्सरसाइज कंदो ना
अगर एक्सरसाइज करे रेगुलर बेसिस ते कोई स्ट्रेच करे तो वापस वो उन अलाइनमेंट जेका हुंदी आ पोजीशन हुंदी आ वो वापस अच्छी सिखे दी असा में चाहे तो डॉक्टर विनेश असा वटा ने अवेयरनेस एतरी ना है स्ट्रेचिंग वगैरह मतलब कोई आर्टिस्ट आन ओए ते कंदा सब करंदा बट आम जेके मानु न उनन में एतरी अवेयरनेस ना है तसा के स्ट्रेचिंग करन खपे या सर्वाइकल पेन आ है तसा के छा करन खपे तो अवेयरनेस इंतहाई जरूरी बिल्कुल उन में मेडिकल फील्ड जेका है ना उनमें एकड़ी पेंजो उन गलतियों भी आएं जी जेके डॉक्टर्स नहीं ना वे पेशेंट उन्होंने वने तो बस उनके सिर्फ चंदा बस दवा खाता हूँ ठीक थींदो है गोरी का ठीक थींदो उनके बुधाए ना था गोरी सा गलत है विषय कर परे से कर ने के अपना उंदा असा इंदो रहे हर 15 दिन महीने इंदो रहे ना तो दवाई प्रिस्क्राइब करना ये सर्वाइकल बेल्ट दे छदीना है बस ठीक है ता कंद में बदी वे रवान हेड़ी गर्मी में वो बेल्ट बदन भी बना एकड़ो सर्वाइकल बेल्ट तो उंदो आरजी उंदो है ता कुछ देर जिला बदी से उंदा 15 नी 20 नी सडी उमे तो ना बदी स्पाना फिक्स ना कर सको ना आई बी वो टाइम भी लाजम ता के जेकने डिप्रेशन हने में तमाम घणो इंक्रीज हो तो साज इश्यूज भी तमाम घणा थी व्या तो बेल्ट बदन भी मतलब इंसान जलाए लाडो अजीब बेल्ट जो है ना आपको एक टाइम लिमिट तक आपकी एक्सटेंशन करवा सकती है लेकिन अगर हम उस बेल्ट पे ही इनसार करने लग जाएं कि जी बेल्ट से ही हमारा पोस्चर से ही हो जाएगा सर्वाइकल का तो ये एक कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है हमें बाकायदा इसकी एक्सरसाइजेस और इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा अगर वो सर्वाइकल की किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है अगर नॉर्मल स्पैज़म है तो यू जस्ट गो थ्रू फॉर द फिजियोथेरेपी यू जस्ट गो थ्रू फॉर द एक्सरसाइज बट लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आगे उससे आगे चली गई मसल स्पैज़म से तो आपको एक पूरी ट्रीटमेंट की नीड है सिर्फ बेल्ट एक ट्रीटमेंट नहीं है राइट अच्छा हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी वही बात डॉक्टर विनेश ने सही कहा कि वो पैसे बनाने के लिए के चक्कर लगते रहे तो वो कभी बताते नहीं है आपको कि आपको एक्सरसाइज भी लेनी चाहिए या थेरेपी या लाइक आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी बात करें या कि हमारे पास सेशन होते रहे नहीं अगर अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आते रहे वो आपको शुरू में भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकता है अच्छा इस पे हम बात करते हैं लेकिन सॉरी जरा इमरजेंसी ब्रेक है तो ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी सो व्यूअर्स टाइम है ब्रेक जो है प्रोग्राम मामाजला पेश के पे बने तरंग आई ऑल पर जिताबुन से मिलो तो शॉर्ट ब्रेक हम पर जी व्यूअर्स बड़ी मां सभी के भली कार चवां थी अज साही थोड़ी डिगी थी वही पर बहरहाल अड़न कमन में ये भी थी है माजत ख्वाह हूँ ये प्रोग्राम अवां सभी के लिए पेश कर पे वे तरंग के तावन से 10 रुपये के साशे में बेहतरीन चाय क्रीमी चाय अवां तैयार कर सको था ओल्पर्स वारे जो सहकार इन प्रोग्राम के अगत वधायण में पिण हासिल है हाँ मैं चाहम तो घड़ो ना गाल बल्कि गालबोल के असा अगत वधायों गालबोल हले पी डॉक्टर विनेश से सो डॉक्टर विनेश तुम असो भी तो बॉडी पॉस्चर जो है वो ठीक न हों कुछ अभी प्रैक्टिकली बुधाइन तो जो अस फोन यूज क्यों था तो पोस्चर होजन खे लैपटॉप यूज क्यों था या इवन सुमण जो भी पोस्चर हों कुछ गाइड कर प्लीज बिल्कुल जैसे में जी मोबाइल आ मुख्य मोबाइल में जो एंगल होंगी खास जी नेक की एंगल होंगी स्पाइन जो शेप हों जैसे मैं हेठ झुका तो कंटिन्यूसली थे फ्लिक्जन क्रिएट थे थी ही शेप क्रिएट करे तो इन शेप क्रिएट करना तो नेक ढी खराब थी और एक ढी बायदा मसल्स टाइट थींदा और तुमको स्पाइन में पेन थे शुरू थी वो पेन एतो शदीद थी जो हथन बाहन का वही हथन तीन वो पेन अची सके तो सुनपन भी महसूस थी सके तो अगर नर्व कंप्रेशन तीन पहुंची वे इन कम की शुरुआत किथा थे थी एडो वो मसलो शुरू थी वेहण के अंदाज से जैसे मोबाइल यूज कर कोशिश कर का शे टेबल अगू हो का शे लैपटॉप यूज कर हथे न रखो कोई टेबल हो अगू वो स्टैंडर्ड तो उत रखो जी तीन नेक स्ट्रेट रहे जो टेबल होंद कोई सपोर्ट होंगी तो स्ट्रेट तक जैसे तुम हेठ कंटिन्यूसली तक इशू थी तो यो मोबाइल यूज करण जो आई घणो करे असा हिए करे यूज कंदा आयो हां तो हेट पान झुकण सा तमा कोशिश कयो काशे सपोर्ट हो जे टेबल हो जे एडो सेट हो जे जे में तमा इते होल्ड कर सको अजकल त होल्डिंग जे के नी कैमरास जा सिस्टम अजंदा ट्राइपॉड्स अजंदा तमा लेक्चर लो ता कुछ भी कयो ता ट्राइपॉड्स यूज कयो तमा कुछ मूवीज सु ता ट्राइपॉड यूज कयो जी तमा हेट न सुनो पए ईमेल्स चेक कर ता कुछ ता ऑफिशियल कम अजकल मोबाइल ते कम कंदा नी 6 घंटा कंटीन्यूअस कम कंदा नी तो उन्होंने तो ट्राइपॉड्स यूज करन खपिन तो जी वो स्ट्रेट रख तो मोबाइल तो जी उन जो पोस्चर नेक जो खराब न थे ठीक बियो जो को सुमी लेटी सुमण में आता है बिल्कुल
आइडियली जो सुम्हण जो तरीको आसे पासीरो सुम्हण खपे। ठीक है, पासीरे सुम्हण में जैसे हार्ट डिजीज होंगी दिल की बीमारी होंगी उनके राइट साइड चवंदा करवट वे पासीरो सुम्हे। बाकी हूँ जो आइडियल आम इंसान के लिए आइडियल सुम्हण तरीको वो खबे पासे सुम्हण में ही फायदा होंगे। जैसे डाइजेशन सिस्टम जो स्टमक आको कुछ खाओ था वो फास्ट डाइजेशन खबे तरफ सुम्हण के लिए। खबे तरफ सुम्हण वक्त थोड़ो तुम्हारी लेग्स के हिंसर मैं सुम्ही न सकता इतने पर तुम आइडियो दिया थोड़ा माइल्ड जो स्ट्रेट नहीं बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट न रखनी कमर से जोर पवन और घणी मोड़े भी न रखनी घणी ये कुछ मनु नहीं पान सुमी में न सुम्हणो हल्कड़ो फ्लेक्स 20 डिग्री 10 टू 30 डिग्री विच में थोड़ी डंगा मुड़द गोडा मुड़दा पासीरो सुम्हण में। ठीक है, और कुछ मूँ के नी जो सूर हों पेन हों घुटन जो विच में पिलो भी दई सकता मन नीज विच में पिलो दींदा। ठीक है, और हि हथ बाहर हो कुछ मू फसाइंदा नहीं जैसे सुमे पा हों खबे तरफ करवट से तो पिलो न रखा नहीं पिले पिल इनके शोल्डर के यूज कह एज ए पिलो तकिए तौर यूज कह पिलो हो पिलो तुझो तमाम जरूरी है छा असाजी शोल्डर और नेक के विच में ही एंगल नजर अचे थी। हाँ पिलो इन लाइन होंद सीधो सुमोद ना पिलो की जरूरत न होंगी पासीरो सुम्हण माल पिलो इन लाइन जरूरी है। जब पासीरो में सुम्हा तो मैं एक तरफ झुकी वेंदुम तो पिलो इनके झुकन नणीद इनके न्यूट्रल ये रख दो जी है नॉर्मल सॉफ्ट कुशन। हाँ मैं कुछ सफा सॉफ्ट यूज कह सफा सॉफ्ट पिलो सुठो ना है उनमें तुम झुकदा सागो हेठ ला वा अंदर तो अड़ो पिलो हो नेक के होल्ड करे नेक के न्यूट्रल पोजिशन में होल्ड करे और नेक अड़ी जॉइंट आ बॉडी जो जो जितो जागदा ओत यूज पवन पा वेठा यूज थे तो पा घूमू तो यूज थे तो इन तरी कर सब पेन्स इनमें यंगस्टर या वही वही एज में ढा पेन शुरू नेक पेन या सर्वाइकल इंस्पोडोलाइसिस वगैरह इशू या रेडिकुलोपैथी सर्वाइकल कामन ढो इन सोल्यूशन ये रेगुलर नेक जो एक्सरसाइज जरूर करो जो भी घर में होम वर्किंग हाउस होल्ड वाइफ्स नी या फीमेल्स नी या मर्द नी भले फॉरवर्ड कम कह नी वो नेक जो एक्सरसाइज जरूर करें गर्दन जो एक्सरसाइज जरूर कर इजी एक्सरसाइज नहीं तो राइट लेफ्ट टर्न कयो राइट लेफ्ट टर्न कयो आराम से होल्ड कयो में बैक तमा कयो साइड स्ट्रेचेस कयो वन बाय वन स्लोली। ठीक है, रोटेशंस कयो रोटेशंस एक्सरसाइज ना हां ठीक स्लोली एंड जेंटली जो सुठो तरीको यो जनी जैनी घर में घणो कम थी तो नेक ते वजन पयो वजन तमा खयो तो तमा थोड़ी हीटिंग पैड वटी छयो या हीटिंग गरम करे तोलियो पानी में वो तो हीट थोड़ी जो तो जेकर मसल स्पाजम या अकड़ाट होते शक्ति क्रिएट भी थी होंगी ना हीट उन्हें खत्म कर थोड़ा नरम थी। हाँ बिल्कुल नरम थी तो राइट। अच्छा, आजकल खवातीन की ज्यादा जो शिकायत है वो घुटनों से निचला जो हिस्सा टांग का है वहाँ पे दर्द की है तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या कोई डिजीज है या क्या इशू है? देखिए, इसके लिए ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, मतलब हर किसी को एक चीज़ नहीं हो सकती। लाइक कुछ खवातीन एंकल स्पेन के साथ भी आती हैं, कुछ खवातीन ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ भी आती हैं नी के, कुछ को वेरिकोज वेन भी होता है, कुछ को शियाटिका भी होता है जिसकी वजह से उनकी पूरी लेग्स पे पेन होता है, वन साइडेड लेग पे पेन होता है। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी जो एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगते हैं उनकी वजह से भी ये पेन रेडिएट कर जाता है। तो वो डिफरेंट इश्यूज होते हैं कि वो किस इशू से आई हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें यही डायग्नोज करना होता है कि आपका असल इशू क्या है। इशू क्या है तो आप पूरी एक हिस्ट्री लेती होंगी कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। पूरी हिस्ट्री लेते हैं, ज्यादातर जो खवातीन आती हैं अगर आफ्टर 40 या 50 के बाद आती हैं तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आ रही हैं। अगर वो आपको नी पेन बता रही हैं तो मोस्टली उनको जो कंप्लेन होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। कुछ ऐसी खवातीन होती है क्योंकि वेट की वजह से उनका सारा जो वेट होता है ऑफकोर्स नी पे हमारे आता है, नी पे आता है लेग्स पे आता है, तो वो उसकी वजह से उनको वेरिकोसिटी भी हो जाती है। वेरिकोसिटी यानी कि वेरिकोज वेन बनना शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं। अक्सर खवातीन आजकल इस शिकायत के साथ भी आ रही है कि हमारे टांग में गुच्छे बन जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो ये एरिया है आपके टांग का यहाँ पे एक लाइक इसको हम थाइस कहते हैं, इसमें ज्यादातर लेडीज आजकल आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लेडीज आती हैं वो अक्सर इस चीज की शिकायत करती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ऑफ कोर्स इन द प्रेगनेंसी पीरियड वो वेट बेयर की हुई होती हैं, लाइक फीटस का भी और अपना भी, तो उसकी वजह से उनकी जो वेन्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं। अब जब वो लूज हो जाती हैं और स्टैंडिंग और वर्किंग की वजह से उनके वो गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, तो इन अ फिजियोथेरेपी फील्ड ऐसे इसकी कोई मतलब इस तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम बाकायदा इसके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएं। लाइक हम सिर्फ यही रिकमेंड करते हैं कि डेली
वेज में आप एक्सरसाइजेस को अपने डेली उसमें यूज में रखें, एक हिस्सा बना ले, हिस्सा बना ले। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अगर थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली, मतलब मेडिसिन का जो यूज है वो ज्यादा हो जाता है। जी, हमें पेन किलर जब लेनी चाहिए जब आपका ट्रीटमेंट इन योर कंट्रोल्स में नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप दवाइयों का यूज भी करते हैं, इन फिजियोथेरेपी हम भी एनस्टेट का यूज करवाते हैं, पेन रिलीफ का यूज करवाते हैं, लेकिन वो उस वक्त करवाते हैं जब आपकी कंडीशन क्रॉनिक स्टेट में। इन एक्यूट स्टेट हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि आप दवाइयां लें। इन एक्यूट स्टेट हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, या फिर हम कोल्ड पैक का यूज ज्यादातर हम करवाते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल जो जितने भी पेशेंट होते हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो, लंबर के हो, या कोई भी हो, बेसिकली होता क्या है कि उनकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। नर्व सप्लाई जब उनकी कॉम्प्रोमाइज होती है, जब नर्व का फ्लो, जब आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं जा रहा होता, तो वो आपको पेन क्रिएट करता है। तो हम मोस्टली हम क्या करते हैं कि कोल्ड पैक, मैं खासतौर पर अपनी ट्रीटमेंट, मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, मैं कोल्ड पैक का यूज ज्यादा करती हूँ, कि पेशेंट को कोल्ड पैक का यूज करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट स्टेज में हम ज्यादातर कोल्ड पैक का यूज करवाते हैं, चाहे वो कहीं का भी पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, नी पेन हो, या आपके पास बैक पेन हो, लेकिन पहले कोई भी चीज करने से पहले हमें डायग्नोसिस करना पड़ता है कि असल वजह क्या है, ठीक, उस पेन की। अच्छा, डॉक्टर विनेश, असां वटि माण्हू जेके आहिनि न, उहे पाण डॉक्टर घणा आहिनि, मथे में सूर पियो त मेडिसिन, हाणे नालो नथा खणी सघूं, मेडिसिन वठंदा, किथे सूर थियो त पेन किलर वठी छॾींदा, माना पाण वटियूं दवाऊं जेको असां मेडिसिन वठूं था, बजाए हिन जे जो सर्वाइकल में पेन आहे त उहा एक्सरसाइज कयूं या स्ट्रेचिंग कयूं, त इन अमल खे मां कीअं था सम्झूं? ऐं इन हवाले सां यकीन तव्हां वटि पेशंट्स ईंदा हूंदा जिन हद खां वधीक एंटीबायोटिक्स यूस कयूं हूंदियूं आहिनि, सही था चओ। असां वटि हिकु रुझान आहे तमामु, इन खे चवंदा माल प्रैक्टिस, माल मेडिकल प्रैक्टिस, असां सेल्फ मेडिकेशन खे चइबो आहे। हाँ। सेल्फ मेडिकेशन माना अस ख़ुदि पंहिंजे बग़ैर ॾेखाए, असां वटि ॿियनि मुल्कनि में सख़्तु कानून आहे, विच में असां वटि बि कानून आयो त बाबा बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन ते, अगरि असांजे छा आहे न, माण्हू वेंदा नी अधा मथे में सूर आहे, मेडिकल स्टोर वारा चवंदा आहिनि गोरी ॾे, मेडिकल स्टोर ॾेई छॾंदो आहे, गोॾे में सूर आहे उहो ॾेई छॾंदो आहे, हुन ॾिनी आहे ईअं। हाणे कानून ठहियो हुयो विच में, सख़्ती बि थी, वरी साॻियो हले थो कानून, इहो ठहियो त बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन जे, प्रॉपर डॉक्टर जे, तव्हांखे मेडिकल स्टोर वारो दवा न ॾींदो। इहो सभिनि मुल्कनि में कानून अथव, असां वटि न आहे। कुझु दवाऊं हूंदियूं आहिनि जेके ॾेई सघे थो, जीअं विटामिन जी दवाई आहे, उनमें कोई नुक़सानु न आहे, सी ए सी कैल्सी वग़ैरह ॾेई सघे थो, वाइटामिन डी या ई सिंपल का दवा आहे, पर कुझु ख़ासि दवाऊं हूंदियूं आहिनि जीअं मेडिकल स्टोर असांजा ॾींदा पिया हूंदा आहिनि। थिए हिन सां ईअं थिए थो, जेकॾहिं मूंखे मथे में सूरु आहे, ऐं मथे में सूर हिकु अलामत आहे जेका तव्हांखे ॿुधाए थी तव्हांजे सिस्टम में काई गड़बड़ी आहे, किथे न किथे प्रॉब्लम आहे। मथे में सूर 50 वजहन सां पवंदो आहे, गैस हुजे उन जे करे पवंदो आहे, माइग्रेन जो मथे में सूर पवंदो आहे, आई साइट वीक हुजे उन जे करे पवंदो आहे, एसिडिटी जे करे मथे में सूर पवंदो आहे, तव्हांजे मथे में को अथे गोॾी ठही आहे, ट्यूमर कैंसर थियण वारो ट्यूमर आहे, उन जे करे मथे में सूर पवंदो आहे, हार्ट अटैक जो कॾहिं कॾहिं मथे में सूर पवंदो आहे, तव्हांजे डिप्रेशन, निंड तव्हांजी घटि थियल हुजे, जिस्म में पाणी जी कमी हुजे, वाइटामिन बी 12 जी डेफिशंसी हुजे, मां चवंदो 50 वजूहात नी, पर उहो बंदो वजूहात ते वञे कोन थो, परमानेंट हले नथो वञे, हू छा चए थो, बसि मां जेका अलामत ॿुधायसि थी त तोखे मसलो आहे, उनखे लिकाए छॾे थो, पेनाडोल खाए। त इहो तॾहिं पहिरियों डायग्नोस कराए हुन बंदे खे, पहिरियों डॉक्टर ॾे वञण जी ज़रूरत आहे, पहिरियों जांच करे भई तुंहिंजे सिस्टम में बार बार तोखे मथे में सूर छो थो पए। तूं रोज़ जेकॾहिं पेनाडोल खाईंदो त हुन सां किडनी ऐं लिवर फेल थी वेंदी, जहिड़ा ऐं बुकियूं फेल थी वेंदियूं, अहिड़ा हज़ारे केसिस तव्हांखे किडनी जी इस्पताल मिली वेंदा त ओवर मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन जे करे उनजा गुर्दा फेल थी विया। तव्हां एस आई यू टी वञो या किडनी सेंटर में, तव्हांखे हिन जो आइडियो थी वेंदो परफेक्टली। बिल्कुलु, हा, इहे इशूस तमामु घणा कॉमन आहिनि। मां तॾहिं तव्हांखां पुछो त आख़िर असां वटि अहिड़े क़िस्म जा इशूस छो था जनरेट थियनि, त पाण वटियूं दवाऊं वठणियूं आहिनि, मसइले जी ख़बर न आहे, पाण हकीम लॻा पिया आहियूं, पाण डॉक्टर लॻा पिया आहियूं। अच्छा, आपके पास भी यकीन इस तरह के पेशेंट्स आते होंगे जो खुद से डॉक्टर होते हैं, कि हमने कोई भी हमने वॉरेन खा ली या हमने कोई भी पेन किलर, मेडिसिन का नाम मैं चाहूंगी कि प्लीज ना लीजिए, क्योंकि वरना फिर वो मंगवा के खाना शुरू कर देंगे लोग। नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि पेन किलर हमारे पास ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो एक्सट्रीम पेन के साथ आते हैं, खासतौर पर जो लेडीज आती है नी के पेन के साथ बहुत आती है, बहुत सारी लेडीज आती है कि जी हमसे, या शोल्डर या फ्रोजन शोल्डर की बहुत सारी लेडीज आती हैं और वो ये कहती हैं कुछ ऐसा कर दें कि हमारा पेन रिलीव हो जाए, और हम मुसलसल पेन किलर खा रहे हैं लेकिन हमारा पेन रिलीव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह ये होती है उनकी काउंसलिंग नहीं हुई भी होती। पेन एक टाइम लिमिट तक आपका रिलीव करेगा वो पेन किलर, लेकिन जब तक आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो वो उस टाइम के बाद दोबारा हो जाएगा। सही,
लेकिन दूसरी बात ये भी तो है ना कि आपको पता ही नहीं कि वो दर्द आपको वो क्यों रूट कॉज तक जब तक नहीं पहुंचेंगे मेन आप जड़ नहीं निकालेंगे ना। आप देखें ना प्लांट्स को, आप पत्तों को इतना ही पानी दें, पेड़ नहीं आगे बढ़ेगा जब तक आप रूट में पानी नहीं देते, जड़ों में पानी देते। तो मसले का पहले आप मसला कहाँ है आपको ढूंढना होगा कि भाई अगर आईसाइड में आईसाइड की वजह से अगर सर दर्द हो रहा है और आप खा रहे थे पेनाडोल, इससे अच्छा है आप आईसाइड वाले डॉक्टर के पास, ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसके चेकअप करवाएं। अगर आपकी नजर में कमजोरी आएगी बिनाई में तो आप चश्मा पहन लें, चश्मा लगाएंगे तो आपका सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। सही, तो वही वाली बात है ना कि हम लोग खुद से डॉक्टर हैं, खुद से हकीम हैं, खुद से सब कुछ है। तो अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी है कि देखिए हमारी जो फिजियोथेरेपी की फील्ड है उसमें हम ज्यादातर दवाइयों का यूज नहीं करते, एक एक्सट्रीम कंडीशन में हम यूज करते हैं। अच्छा, इस पर हम बात करते हैं कि अगर दवाइयां यूज नहीं करते तो क्या करते हैं, मतलब कुछ ट्रीटमेंट प्लान होता है। बिल्कुल, थोड़ी टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे लेकिन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद फिर आपसे बात करते हैं। सो व्यूअर साइमा इतने ब्रेक जो है प्रोग्राम अमां जिला पेश कर पे वनी तरंग जतावन सा सिर्फ 10 रुपए के साशे में अमां बेहतरीन क्रीमी चाय तैयार करे सको था ऐ ओल्पर्स फॉरन जो सहकार पण इन प्रोग्राम के अगते वधाण में हासिल आहे। मिलो द शॉर्ट ब्रेक का पर जी व्यूवर्स बरी अमां सभी के भली कार चमा थी सुबह जे आवाज में हे प्रोग्राम अमां जिला पेश करे पे बने तरंग जिताबुन सा 10 रुपए के साशे में बेहतरीन क्रीमी चाय अमां तैयार करे सको था ऐ उनखा पोए ओल्पर्स फॉरन जो सहकार पिण हासिल आहे इन प्रोग्राम के अगते वधाण में। मेहमानन सा सनी गाल बोल हले पई ऐ इन पास जे शकीला परवीन भी मौजूद आहे। अमां बिनी जी अगर आपकी इजाजत हो, अमां जी इजाजत हो जे तो कलाम बचे जी, तो जो कलाम आप पढ़ना चाहे पेश करना चाहे। माशाल्लाह मुहर्रम अल हराम के हवाले से दुरूद अहले बैत आपकी समातों की नजर करना चाहूंगी जितने लोग की देख रहे हैं। हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی पढ़ते
सलाम तो आता जवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजती जो दुरूद व सलाम है, ज़हरा पे भेजती जो दुरूद व सलाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफा है नेक नाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफा है नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाल्लाह तमाम बेहतरीन और बहुत अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही रूह पर कलाम था ये। वापस आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। हमारी आज बात हो रही थी खासतौर पर पोस्टर्स के हवाले से, तो पोस्टर्स में अब लाजम है कि आपका आपका जो आपने इवन चप्पल जो पहनी हुई है वो भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करती है। तो काफ़ी ख्वातीन को हील्स की आदत होती है, लाइक पेंसिल हील पहनना, विज है, डिफरेंट चीज़ें, तो उससे आपके पैर का पोस्चर लाजम है कि ख़राब होता है, तो उससे क्या और किस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं? देखिए जो हील ज़्यादातर जो लेडीज़ पहनती हैं, लाइक मैं भी पहनती हूँ, लेकिन देखिए पोस्चर के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है क्योंकि आपका पैर बाकायदा मुड़ जाता है ना? नहीं, वही मैं बता रही हूँ। देखिए हमारा जो एंकल जॉइंट है ये बहुत एक वीक जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो लिगामेंट्स होते हैं वो इनको सपोर्ट करके रखते हैं, लिगामेंट्स होते हैं आपके टिश्यूज होते हैं वो सपोर्ट करके रखते हैं। जब हम हील पहनते हैं, अगर हम चलते हुए अगर हमारा पोस्चर ऑफकोर्स थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा होता है, तो जो हमारी रेंज ऑफ मोशन होती है एंकल की, जो लिगामेंट उनको सपोर्ट किए हुए होते हैं, तो वो जब आउट हो जाए, चाहे वो इनवर्ड हो जाए या आउटवर्ड हो जाए या किसी भी तरीके से, तो ज्यादातर लेडीज को स्प्रेन का सामना करना पड़ता है, एंकल स्प्रेन। ओके, ठीक है। एंकल स्प्रेन एक आजकल बहुत कॉमन होता है लेडीज में ड्यू टू हील्स। हील्स के और जो इश्यूज हैं वो आपका बैक पेन पे भी इसके बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। सिर्फ एंकल स्प्रेन ही नहीं होता हील पहनने से, आपको बैक पे भी इश्यूज आते हैं। शायद ग्रेविटी का इश्यू होता है कि वो ग्रेविटी की तरफ खिंचाव जो है वो ज्यादा होती है, वो एक अलग वे है। लेकिन जाहिर सी बात है अनइवन सरफेस, आपका हील आपका जो पूरा वेट है वो आपके टांगों पे है, जब आप हील पे अपने वेट को ले आते हैं तो वो इम्बैलेंस आपका जो होता है बैलेंस आउट हो जाता है। सही। जो हमारे पास एंकल स्प्रेन है उसके बहुत सारे ग्रेड्स हैं कि अगर आप ग्रेड वन पे हैं, ग्रेड टू है, ग्रेड थ्री है। अगर ग्रेड वन है तो वो खुद रिजॉल्व हो जाता है कि आप अपने घर में रेमिडीज करें, आप राइस का फिनोमिना यूज करें, जैसे कि हम विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर हम राइस भी करें तो आपका ये एंकल स्प्रेन खुद ब खुद रिलीफ हो जाता है। ओके। राइस का मतलब ये है कि आप रेस्ट करें, जब अगर आपको फॉरन कुछ ऐसी मोच आना, बेसिकली एंकल स्प्रेन किसे कहते हैं, मोच आने को, आप रेस्ट करें, आप आइस का यूज करें, आप इसके अंदर कोई स्टॉकिंग पहन लें, लाइक सॉक्स वगैरह कुछ ऐसे आते हैं, स्टॉकिंग पहन लें, कॉम्प्रेशन दें मतलब अपने इस ज्वाइंट को, प्लस आप एलिवेशन कर लें। अगर आपका ग्रेड वन पे है ये आपका एंकल स्प्रेन मोच, तो वो खुद रिजॉल्व हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर ग्रेड टू पे है तो उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट आपको नीड होगी, फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट कि आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जाए, फिर उसके बाद और ट्रीटमेंट होती है। ग्रेड थ्री जो होता है वो थोड़ा क्रॉनिक पे हो जाता है, तो उसको काफी टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं मतलब उसको ट्रीट करने में। और कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है। ओह माय गॉड। तो मतलब ये चीजें होती है हील पहनने, जब भी आप हील पहने तो बहुत देखें कि अगर आपका
वहाँ पे चलने का क्या मतलब, सरफेस कैसी है? अगर अनइवन सरफेस है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप फिर ऐसी जगहों पे हील को ना पहने, ना पहने। लाइक आप बाजार जा रहे हैं, आप इस तरह की जगहों पे जा रहे हैं तो आप मोस्टली इस तरह की चीजें वेयर ना करें। ठीक, मतलब वहाँ पे कंफर्टेबल आप शूज पहन लें। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको नहीं पता कि बाजार में किस तरह का क्या है, या कुछ और आप कहीं मॉल वगैरह जा रहे हैं, इसी तरह की जो जगह है इनमें ना पहने तो। और दूसरी बात होती है कि हील अगर आपकी आधा इंच भी आपकी चौड़ी हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई साइज से, तो आपको प्रॉब्लम करती है। ऑफ कोर्स फुट केयर आपको बहुत जरूरी है कि आपका मतलब वो गैप जो है वो उस गैप के साथ बिल्कुल, जो आपके हील का गैप होता है वो फिक्स होना बहुत जरूरी होता है। एक तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है, दूसरी बात ये कि हील के साथ जो मैंने काफी जो इंटरनेशनल कुछ रूल्स हैं, डॉक्टर विनेश आप भी यकीनन जानते होंगे कि आपकी जो लोअर बैक की जो हड्डी है वो स्ट्रेट होगी, ठीक है, जब आप हील के साथ चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आड़े तिरछे जो जैसे मूड हुआ आप चल लेते हैं, तो फिर काफी चीजें इवन की डिस्क बल्जिंग भी हो जाती है। हाँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लेडीज इस क्योंकि ज्यादातर डिस्क बल्जिंग ये डीजेनरेशन ऑफ डिस्क जब होती है, जब आपकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ आजकल यंग लेडीज भी इस इश्यूज के साथ आ रही हैं, डिस्क बल्जिंग के साथ। उसकी ये बहुत सारी वजूहत होती है, हील पहनने की वजह से भी डिस्क बल्ज हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर विनेश, तां कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं सवाल चेंज किया? नहीं मैं बिल्कुल थोड़ा ऐड किया तो बताओ, भले भी सवाल पूछो। ओके, इनमें यही होता है तो जेत्रो असा एक्चुअली असा ही बॉडी है, सपोज कि 60 केजी वेट आ, 70 केजी वेट आ, और ये बॉडी जैसा ही वेट था ऑलरेडी तो 60 70 केजी वेट सिर्फ बिन पैरन ते ग्राउंड से टच थे तो सरफेस केतरो तवाजो पैर जको चौड़ाई में जको के जो 2 इंच 3 इंच होंदो और लंबाई में हाइट में पैर जको के जो 9 नंबर के जो 8 नंबर जको ठीक है। अग में ही सरफेस नंडो आ, अग में ही सरफेस पैरन जो नंडो आ और ग्राउंड से टच करे तो पूरा वेट वो बियर करे तो उन में ही तो कुछ सरफेस हटाए छड़ दो खराब तड़ी करे लॉन्ग हील मना कदम मेडिकल हील हलो न कदम पर पानी पे न सिर्फ वो अद कला कलाक की पार्टी है महदूद रखे उनके रेगुलर यूज लाइ वो शायद नहीं होना चाहिए। रेगुलर ग्राउंडेड हो जे तड़ी करे तो अजकल ऐसा कें पेन थे तो अड़ी में तो डॉक्टर शायद मोटी सोल वालों जूतो पाए दुनिया में बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि आप अगर हील पहन रहे हो तो आप किस तरीके से पहनेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ बस शौकी आपने पहन लिया तो कभी कभार आपका पूरा जो वेट है वो आपका फ्रंट साइड पे आ जाता है पैर के, कभी कभार आपका बैक साइड पे आता है, तो लाजम सी बात है कि फिर आपका टांगों का जो दर्द है वो कंटिन्यूसली आपको होता रहता है। आजकल एक कॉमन चीज भी बहुत हमारी लेडीज में है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली देखिए हमारा माहौल भी इस तरह का हो गया है कि फ्लैट्स हैं, लाइक बंद जगह, जो एक नेचुरल हमें विटामिन डी की जो सोर्स है वो हम लोग नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, राइट। ठीक है, विटामिन डी की सोर्स नहीं लेते तो लेडीज को ज्यादातर जो ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली हो रहा है उसकी वजूहत में एक ये वजह भी बहुत कॉमन है कि वो विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ। ठीक, सो डॉक्टर विनेश छा करण खपे मतलब विटामिन डी जिला जे कने उस नथी मिले फ्लैट जी लाइफ आहे त कुछ डाइट या कुछ एक्सरसाइजेस बुधाइंदो मा प्लीज। इन में ही आ त विटामिन डी और ऑल डेफिशिएंसीज जो कलर कॉमन थी सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी ने विटामिन बी12 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या हीमोग्लोबिन घटा डाइट पे तो मानु पे डाइट मैनेज करे। ठीक है, डाइट में हूँ विटामिन डी जब डाइट में भी तरह सोर्सेस ना हैं, फिश ऑयल चवंदा हैं उन लाए और सिंधी में जो पा थरम जो बारिश में पैदा थी खुंबियों, खुंबियों खुंबियों में विटामिन डी आए, दही में विटामिन डी ना है, विटामिन कैल्शियम आए, कैल्शियम आए, कैल्शियम सुठी मकदार में विटामिन डी जो सब को रिच सोर्स है वो सनलाइट है। तुम पान के दिसो ना ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आए, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अडकल पान जो रदो बदल जो यूज करता वही हुआ तो बाबा इंजेक्शन अणा विटामिन डी जो या ड्रॉप्स पीऊँ था एंड्रॉप डी नाले से, पर जो हाँ जो नो सोल्यूशन यो आया तो इंजेक्शन हड़ा बेहतर है, ड्रॉप्स में भी कें कें स्टमक वो डाइजेस्ट करे तो एब्जॉर्ब करे तो नो करे इंजेक्शन मेंटेन कर इंजेक्शन हेवी तमाम घनी होंगी ना
कोई ना जोड़ो को साइड इफेक्ट ना ठीक है त इन में ओ जे कने कहीं डेफिशिएंसी आ त पर वो पे इंजेक्शन उन अगर वो सनलाइट एक्सपोजर जरूर सिर्फ जरूरी है कुछ मान समझदा है ऐसा स्पेशली गर्ल्स समझदा है शायद रंग खराब थी नहीं ना सुबह जो या शाम वाला रंग खराब न कंदो त ई ना त बाहर वा के मजंदो समझ में बट जो सोर्स सनलाइट के थ्रू है वो उसकी भी एक टाइम है अच्छा 9 to 12 आपका जो धूप का जो टाइम है सनलाइट का फर्स्ट वो लेनी सही यानी कि पहले 2 घंटे और वो जो शुरुआती सनसेट वाला लास्ट है। अच्छा इस पर हम बात करते हैं क्योंकि हमारी जो ना वो आजकल जिंदगी के तौर तरीके काफी बदल गए हैं। इस पर हम बात करते हैं लेकिन ब्रेक ले लो सभी पर ब्रेक जो टाइम आए ब्रेक बटना सी है प्रोग्राम आवाज लाइव पेश कर पे वनी तरह जिताबुन सांदान रुपन जे साशे में बेहतरीन क्रीमी चाय मा तैयार करे सगु था आई ऑल पर जिताबुन सा ऑल पर स्वरन जे सहकार जा भी थोरा है वक्त आए ते ब्रेक जो मिलो था ब्रेक हम को जी व्यूवर्स भरी हुआ सभी के भलीकार छो था ये अचानक अज अची वे हूँ ऑनियर चाहे तो लाइफ स्टाइल से असि गाल बोल हले पे तो केर जल्दी उठन है केर देर से उठन है ये सभी शूं भी अवे सेहत से तमाम घो असर छींद बहरहाल अवे बुधाई हल तो ये प्रोग्राम अवं सभी के लिए पेश कर पे वे तरंग के ताबुन से 10 रुपये के साशे में बेहतरीन अवं चाय तैयार कर सकूँ था जहाँ होंगी बिल्कुल क्रीमी उनका पोए ऑल पर्स वाले ने सहकार जा पिण तमाम घना थोराए ता हूं आई शकीला सा मुझे गाल बोल हले पे सो शकीला चयो तो भाई मुझे तो देर से उठने की आदत है। मैंने कहा मेरी अम्मा बेजार होती हैं वो कहती हैं कि हफ्ते के दिन भी तुम वही 7 बजे उठ जाती हो और चाय की फरमाइश शुरू हो जाती है। सो वो हमारी तो क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो वो आदत सी हो गई जल्दी सोना जल्दी उठना। वेल डॉक्टर विनेश लाइफ स्टाइल घणन मानु जो डाडो खराब थी पियो उन्हें ते कुछ तबसरो कंदो प्लीज। बिल्कुल हियर जगह असा वट बीमारियों नी ना 70% बीमारियों ही इशू जो दुनिया में इन वक्त वो लाइफस्टाइल डिजीजेस जी ब्लड प्रेशर आ शुगर आ स्ट्रोक थे तो हार्ट डिजीजेस थियूं लिपिड कोलेस्ट्रॉल वधे तो स्टमक इशूज नी इसला लाइफस्टाइल डिजीजेस नी और इन में साइंस अना तहकीक करे थी कि हल कडू छकाण त मलेरिया जो इन्फेक्शन से इलाज अची चुको आ कोई भी इन्फेक्शन थी वे वो ठीक थी हरी भरी पे वो ठीक थी वनती हाँ ऑपरेशन थी वन था हर शे जो इलाज निकली चुको है पर लाइफ स्टाइल अना भी साइंस पूरी तरह कामयाब नी है 100% रिकमेंड कर बाबा इन हलो अव लाइफ स्टाइल चेंज करो लाइफ स्टाइल डिजीज जी तुम्हारी रहन सहन गलत खाण पीण गलत उठन वेहन गलत सुम्हण जो हैबिट्स उठन जो हैबिट्स के कर ये बीमारियों थन थी जी तुकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर आ जैमें इंडस्ट्री अची वही अगे जो ना कोई भी को कम कंदो जॉब कंदो हो तो उन्होंने फिजिकल वर्क होंदो उनकी एक्सरसाइज थी पी होंगी हाँ मशीनरी टेक्नोलॉजी दौर अची मोबाइल दौर अची कंप्यूटर लैपटॉप हर कंहिंजो वेहण वारो कम आ एसी हले थी हर शइ फिजिकल वर्क घटिजी वियो ओवरऑल त हाँ इंसान के पेंजे रूटीन में एक्सरसाइज वॉक जॉगिंग कोई भी शइ मां फोर्स नथो कयां पर मां ओवरऑल बुधायां थो काई भी फिजिकल एक्टिविटी योगा हुजे एक्सरसाइज हुजे कराटे हुजे वॉकिंग हुजे जॉगिंग हुजे जिम हुजे उन में जरूर शिरकत करे उन में हिस्सो वठे छकाण त इन में हिस्सो न वठंदो त पाण खे एक्टिव न रखी सघंदो बियो असां के लाइफ हैबिट्स नी असां गलत टाइम ते सुम्हण रात जो अगे माण्हू जल्दी सुम्हंदा हुआ त उन जे करे असांजी बॉडी में हिकिड़ो हार्मोन हूंदो आहे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल ना रात जो रेस थी नी असांखे सुम्हण खपे जेके देर ताईं जागंदा नी उनमें वो लेवल ॾाढी अपग्रेड ॾाढी वधी वेंदी आहे स्ट्रेस हाँ उन स्ट्रेस वारे हार्मोन जी लेवल ॾाढी वधण जे करे उनमें ऑस्टियोपोरोसिस हॾनि जी बीमारी उनजो ब्लड प्रेशर जल्दी इशू थींदो उन्हनि खे इम्यूनिटी उनजी जेका कुवत मुदाफ़त उहा बि जल्दी कमज़ोर थी वेंदी आहे काई बि बीमारी उनखे अटैक करे सघे थी शुगर बि उनखे जल्दी थींदी आहे त तॾहिं करे जेके चवंदो न अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस Always early, never late. That's the way to be great. हमेशा माण्हू इन शइ खे अपनाए वॾी हिकु नेमत आहे सवेर उथण वारा माण्हू वॾा भाग वारा नी जेके माना ख़ुदा उथाए तो ॾिसो न सिजु उभरे थो कुझु माण्हू उनखे नकारे करे सुम्हिया पिया नी या कुझु माण्हू मजबूर बि हूंदा नी राति जॉब्स कंदा नी त हुनजी मजबूरी आहे पर जंहिंजी मजबूरी न आहे त मां हुनखे रिकमेंड कंदुसि त उहो सभु सवेर सुम्हनि ऐं सवेर उथनि ऐं अर्ली मॉर्निंग सुबुह जो तव्हां जेका खिड़की खोलियो पर्दा ऐं थधी हवा हूंदी आहे चाय जा आदि आहियो या ग्रीन टी वॉटएवर कुझु बि
हथ में कप आए तो वो एकड़ी मंजर कशी बेड़ी लाजवाब बूंदी आए रिफ्रेशिंग वो सुबह की जो हवा होती है ना वो आपको रिफ्रेश करती है एंडोर्फिन सुबह जी हवा हवाले समुदाय सुबह जो जने तमाम फ्रेश एयर ता उठो ता बाग बगीचन वनो ता टहलो ता तमाई बॉडी में एंडोर्फिन पॉजिटिव हैप्पीनेस हार्मोन्स ने वो रिलीज थी ना केमिकल्स तने कर तमान जी वाइटलिटी तमान जी खुशी जो मिजाज तम बेन का डिफरेंट हो सवेर उठण वार मा बड़ा एक्टिव हुंदा नी उनजो मिजाज ये लगंदो आ ता नी नंड केतरी भी करन ता ओतरी चुस्ती ना इंदी जगह रात ही ता जी प्रॉपर नंड थलो जे सही बे लाइफस्टाइल में असन जो डाइट हैबिट्स अगे हुंदो यो मानू 8 9 का पेरो नाश्तो कर छरंदा होया मंझंद एक का पेरो मंझंद ही लंच भी कर छरदा लंच थी बिंदी हाने सा दिसदा यो 12 साडी 12 वगे मानू उठी कर छंदा नी ब्रेकफास्ट क्यांदो अरे रही तो ब्रेकफास्ट की थी टाइम एको थी वा तो लाइफ है असन जो के बावल हैबिट्स ना मादो असन जो आंड्रो हरी वेंदानी तमा के आइडियली जे वक्त ता खान खपे नखे दो ना तो उन सीक्रेशन सो रिलीज इन नी होता एसिडिटी कॉज कर छ तो ये करे टाइमिंग मेंटेन करन जरूरी है तो ता ब्रेकफास्ट तो अर्ली कयो लंच पेरो कयो टाइम ते रात जो स्पेशली रात जो जो रोटी आ मानी आ वो रात जो मानू बारी माने वगे खान दा रे कोले तदी करे वो वेट गेन थी वने तो वजीर वांगुर फकीर गरीब वांगुर घट खाओ अस सुबह जो नाश्तो करनो ही ना लंच मिड़ई नाश्ते में कन्वर्ट थी नाश्तो भी मिड़ई अंडो हल्को पराठो अची वो रात जो पुलाव बिरयानी यखनी क्या कहते हैं कोरमा पिज्जा आएगा बाहर से फास्ट फूड आएगा तो माना रात जो असानी इलाही हेवी डाइट आए और वो हजम करना भी मुश्किल होता है अब उसके बाद फिर सोना होता है ना आप एक बजे खाना खा रहे हैं एक बजे के बाद आपने 2 मिनट टीवी देखी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है आप सो गए तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नाश्ता जो होता है ना हमारा फ्यूल होता है फ्यूल ब्रेकफास्ट जो है योर फ्यूल अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा लेते हैं आप लंच स्किप भी कर दें तो इतनी बड़ी बात या सैलेड ले लें नहीं मैं एक बात कह रही हूं अगर आप कभी बच्चे हैं एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में लाइक उन्होंने कुछ भी ले लिया लेकिन एक बाकायदा जो लंच जिस तरह से आप कोई डाइट ले रहे होते हैं दाल चावल रोटी अगर आप वो ना भी लें और अगर आपका नाश्ता जो ब्रेकफास्ट है वो आपका अच्छा हुआ वो होगा आप एनर्जेटिक रहें पूरी दिन भर एनर्जेटिक रहें वही बात कर रहे हैं ना नाश्ता लोग कर ही नहीं रहे वो 1 बजे उठ रहे हैं डायरेक्ट थोड़ी सी चीज कुछ खा ली उसके बाद रात को मैं अभी एक चीज रिकमेंडेशन करती हूँ मैं बहुत सारी अपनी खवातीन को रिकमेंडेशन करती हूँ डेट्स का इस्तेमाल खजूर खजूर मॉर्निंग बहुत आपको फायदा करती है डेट्स एंड आप उसके साथ मिल्क ले लो ये आपकी ऐसा फ्यूल है कि आपको दिन भर एनर्जेटिक बिल्कुल जिनका हेमोग्लोबिन कम रहता है खवातीन का या एनर्जी लेस रहते हैं शुगर लो हो जाती है अक्सर ना खवातीन में जो है ना ब्लड प्रेशर कम रहता है तो खजूर ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करती है डॉक्टर विनेश असा वट फायदो सिंधी फैमिलीज में यो आए त छुआरा कतलू माना असा वट 24/7 मौजूद होंदी हुन और वक्तन पर वक्तन हम लोग वो लेते रहते हैं मतलब वीक में या दिन में कभी मूड हुआ छुआरे हो गए खजूरें हो गई या अदड़ियों दूसरी बात ये कि हम सिंधी फैमिलीज में नाश्ता जो होता है ना वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का होता है गांव में चले नाश्ते में फेट हो जाए जी अगे जिसने पान मक्खन हो दो मक्खन लस्सी होती हो ये फेट जरूर हो जाए उनमें थोड़ी फेट होगी हाँ एक बार नाश्ते में अगर आप कुछ इस तरह का फैट्स भी ले लेना तो वो भी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा इतना लंबा टाइम पीरियड देसी घी के पराठे तो ये नाश्ते के लिए बेस्ट है वैसे हमारे यहाँ जो है वो सिंधी फैमिलीज में ज्यादातर वही सालन बनता है जो हम लोग दोपहर या रात को बनाते हैं तो नाश्ते का कोई अलग से एहतमाम नहीं होता कि आपने वो इतना सा चुन्ना सा अंडा बना लिया और आपने नाश्ते पराठे के साथ खा लिया वो नहीं होता बाकायदा अच्छा खासा नाश्ता बनता है डॉक्टर विनेश नाश्ते में वैसे जो है ना प्रोटीन वाली चीजें हमारी बहुत अच्छी जैसे खाना चाहिए बिल्कुल ओट्स है ना जब जो दली होता जब जब इंदी आयु कल ओट्स फार्म में वो तो नाश्ते ला बेस्ट आ मूंग पान जगह सावा जगह छिलके से गडू नारी नाश्ते में लोबिया एक चना लोबिया राजमा जगह चवंदा या ये बेस्ट नहीं नाश्ते ला इन प्रोटीन डाइट आ ठीक स्प्राउट्स भी चोंदा इनके तवा जगह पानी में इनके जाकर रात तो पानी में छड़ियो वो सुबह जो तो नरम थींदा वरी 2 घंटा इनके पानी में कढ़ी कर कपड़े में ढके छड़ियो उन जा दाना दाना अच्छा निकरींदा स्प्राउट्स वो तमाम फायदेमंद है मक्खन बटर वगैरह कोई खाए तो दही लस्सी ये शूं ब्रेकफास्ट रात जो सब्जी खाणी छ रात जो असाइट से जुड़े होंगे डाइजेशन सिस्टम
सनलाइट हली वही तव्हांजो छा तेज़ न हूंदो आहे डाई सिस्टम, पोइ तव्हां हैवी शयूं नथा खाई सघो, चांवर बि कोशिशि कयो ॾींहं जो खाओ, राति जो जेकॾहिं कार्बोहाइड्रेट वधीक आहे चांवर में ऐं नज़लो पैदा कंदा नी चांवर, त ॾींहं जो वधीक बहितर नी राति जो खाइण खां, त राति जो सब्ज़ियूं ई हुजनि त उहो तव्हांजो फाइबर डाइट हूंदी आहे, तव्हांजो डाइजेशन सुबुह जो तव्हांजो पेट साफ़ करे छॾींदी, पेट साफ़ न थींदो। या वीकेंड ते योगा कनि, पर असां वटि इहो बि अहिड़ो को ख़ासि हाणे शयूं पैदा थियनि पियो, इहो ट्रेंड पैदा थिए पियो, वरना हमारे यहाँ योगा या इस तरह की चीजें भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब अब पैदा हो रहा है। नहीं, मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स आते हैं, लाइक हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हमारी ये फील्ड थोड़ी सी अलग है, लाइक फिटनेस की थोड़ी सी डाइवर्ट है हम, लेकिन जब कोई आता है तो हम उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं एरोबिक्स, हम जरूर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं एरोबिक्स और योगा, मिलती जुलती एक ही है तकरीबन, तकरीबन एक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एरोबिक्स में और योगा में, थोड़ा सा ये कि काफी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज होती हैं, एरोबिक में थोड़ी सी और डिफरेंट होती हैं, उसमें ये है कि आपकी वॉकिंग के साथ एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन के साथ उसकी एक्सरसाइज होती है। नहीं, एरोबिक के अंडर में आती है योगा भी ना, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपकी ब्रीथ और जिसमें आपको फास्ट एक्शन ना हो, स्लो मूविंग, स्लो एक्सरसाइज, वॉकिंग उसमें वो करा, योगा भी इसमें, जिम जो है वॉकिंग जॉगिंग भी एरोबिक्स में आती है। डॉक्टर विनेश, कभी हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे कि आप योगा करके दिखा दें, जरूर कुछ चीजें जो हम घर पे खुद से कर सकते हैं, और आपको भी दोबारा जरूर ज़हमत देंगे, अब चूंकि वाइंड अप का टाइम आ चुका है। तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही डॉक्टर विनेश, बड़ी मेहरबानी, लखत हो रामा जा जो अमां भी आयो, शकीला जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। आखिर में आपसे हम कलाम सुनेंगे, आई व्यूवर्स हे प्रोग्राम अमां सभिनी जे लाइ पेश कर वियो तरंग जे ताबुन सां 10 रुपयनि जे साशे में बेहतरीन क्रीमी चांहि अमां तयार करे सघो था, ऐं ओल्पर्स वारनि जे सहकार सां सहकारी कंपनी जे सहकार जी थोराइती आहियां। सुभाणे अमां सां मुलाक़ात थींदी, हयाती बख़ैर, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफिज़। उनके आम हो गए जो गुलाम हो गए या हुसैन, उनके जो गुलाम हो गए या हुसैन, उनके जो गुलाम हो गए, वास्ता दिया जो आपका या हुसैन, वास्ता दिया जो आपका, मेरे सारे काम हो गए या हुसैन, मेरे सारे काम हो गए या हुसैन, फैज़ उनके आम हो गए, नाम ले वो उनके जो हुए या हुसैन, नाम ले वो उनके जो हुए, मेरे ऊंचे नाम हो गए या हुसैन, मेरे ऊंचे नाम हो गए या हुसैन, फैज़ उनके आम हो गए या हुसैन, फैज़ उनके आम हो गए, और जब बुलाया आका ने जब बुलाया आका ने, खुद ही इंतजाम हो गए या हुसैन, खुद ही इंतजाम हो गए या हुसैन, फैज़ उनके आम हो गए। और मौला हुसैन की शान में क्या खूबसूरत शेर है कि सफ बसफ खड़े हैं सब शहीद या हुसैन, सफ बसफ खड़े हैं सब शहीद, और हुसैन इमाम हो गए या हुसैन,
और हुसैन इमाम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए। मुस्तफ़ा की शान देख कर या हुसैन, मुस्तफ़ा की शान देख कर बादशाह गुलाम हो गए, या हुसैन बादशाह गुलाम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए। मेरे सारे काम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम हो गए, या हुसैन उनके जो गुलाम हो गए, या हुसैन फैज़े उनके आम।